अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद, आप देख रहे हैं एम इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक केटल है, पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे चाय बनती है। अक्सर ऑफिस घरों में ये इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिक केटल है, बिजली से यह ऑन ऑफ होती है। और इसका इशू आ रहा है कि ये कंटिन्यू ऑन ही रह रही है, इसी ऑफ नहीं हो रही है। ये देखिए, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये ऑन हो गई है, मगर ये इसका थर्मोस्टेट है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका थर्मोस्टेट है, ये काम नहीं कर रहा। हम इसे उठाते हैं तो ये इसकी बेस है, जो बेस चेक होगी कि गोया ये ठीक है नहीं या ख़राब है। इसको चेक करने का आसान तरीका है हमारा, ये देखिए मैंने ये आप इस केटल इसके ऊपर रख दी है और ये ऑन हो गई है। इसका मतलब ये वायर्स और ये बेस इसकी हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब बेसिकली प्रॉब्लम किस में है, केटल में है। केटल जो है वो कंटिन्यू ऑन ही है, ऑफ नहीं हो रही। अभी हम चेक करते हैं कि इशू किस में है, प्रॉब्लम किस में है। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए सिंपली मैं आपको भी बताता हूँ। इसको सबसे पहले आप इसके इलेक्ट्रिक ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ ये दो स्क्रू ओपन करने हैं, उसके बाद एक ये है, ठीक है। और इसकी ये बेस है, इसकी बेस में भी ये स्क्रू लगे हैं आपके सामने। हम ये खोलेंगे और ये कंप्लीट बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों हम इसे अब खोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या इशू क्या है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों हमने इसके स्क्रू खोल लिए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था इस जगह स्क्रू है। स्क्रू खोलने के बाद ये बॉटम इसका जो बेस है वो ओपन कर लिए। इसके नीचे आप देख रहे हैं ये थर्मोस्टेट है और ये इसकी एलईडी लाइट्स का कंट्रोल कॉर्ड है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। और जो इशू है वो हम अभी चेक करते हैं इसमें क्या इशू है, क्योंकि एलिमेंट ठीक है। एलिमेंट्स तो मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया, ऑन हो रही है। और इशू क्या है, ये डायरेक्ट हो गई है, ये देख रहे हैं आप, एलईडीज भी ठीक काम कर रही है, वो देख रहे हैं आप अच्छे तरीके से काम कर रही हैं एलईडीज, मतलब ये सर्किट में कोई इशू नहीं है। और अभी हम इसका एक पॉइंट जो है ना वो डिस्कनेक्ट करते हैं। आपको अगर डिस्कनेक्ट करते हैं देखिए लाइट्स ब्लू हो रही है। अगर हम इसे दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये ज़रा देखते रहे आप दोस्तों, वो रेड होगी और वो ब्लू होगी। इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो सही है। इशू किस में है, इशू हमारे इस ऑटोमेटिक जो बेस है इसमें है। इस सारे को हम अभी ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए ये चार स्क्रू यहाँ लगे होंगे, ये देख रहे हैं आप इस बेस के। तो यहाँ से ओपन करेंगे और इसका ये पूरा इसका हैंडल समेत इसको हम बाहर निकाल देंगे। दोस्तों ये देखें, हमने ये आपको मैंने बताया था कि इसमें तीन स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ ये तीन स्क्रू थे और मैंने यहाँ से रिमूव किए हैं। और इसकी सिंपली तीन वायर्स लगी होती हैं, एक आर्ट की, ठीक है, और दो एलिमेंट्स की। और ये भी बहुत भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये देख रहे हैं आप, ये इसके एलिमेंट्स की वायर्स हैं और एक यहाँ आपके कॉर्ड एलईडी कॉर्ड्स की लगी हुई है। अब इशू इसमें है क्योंकि ये ऑन ऑफ कट नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको भी चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। और
अभी ये देखते हैं हम, अभी आपके सामने इसको ये देखें, ये मैंने इसको लगा दिया है। अभी हम इसको ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप इसके ये पुश बटन है, ये चीज़ ये देख रहे हैं आप, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हम इसका दूसरा पॉइंट लगा के चेक करेंगे कि क्या गोया वो काम कर रहा है या वो भी, और हमने पॉइंट जो है ना वो एलिमेंट्स पॉइंट जो है वो चेक करने हैं। ये देखें ये भी ऑन हो गया और ये चीज़ हो, देख रहे हैं कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए देखिए इस समय वायर्स जो है वो लूज हो रही हैं, हिल रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इशू आ रही है। मैं अभी आपको ये अच्छे से लगा के, ये देखिए दोस्तों ये मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, मगर ये देख रहे हैं बीच में हो रहा है, बीच में नहीं, क्योंकि ये हीट अप होकर अंदर से मेल्ट हो गया, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अब सिंपली हमने ये चेंज करना है और लेकर आना है थर्मास्टेट नया और इसको इंस्टॉल कर देना है इसको। दोस्तों जो दोस्त अभी नहीं आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि उनको इसी तरह की अच्छी अच्छी सी नई मालूमती वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम।